हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है अभी 28 मई को, उसका हम डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन सवालों के क्या क्या जवाब हो सकते हैं। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का। हम लोग बात करेंगे इसमें पेपर वन की, और पेपर वन में जो सेट ए है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में भी रिवर्स का क्वेश्चन आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में रिवर्स एक बहुत ज़्यादा रिकरिंग थीम है, एंड हम लोग इसके बारे में सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक, ठीक है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यूपीएससी ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चंस का फॉर्मेट बदल दिया है। पहले जो एलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आते थे, जिसमें 1 2 3, 1 2 3 4 इस तरीके के होते थे, जिसमें आराम से एलिमिनेट हो सकते थे, अब उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जब तक कि आपको इनमें से, इन स्टेटमेंट्स में से सही सही पता होगा कि ये वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है, आप तभी इन सवालों को कर पाएंगे, वरना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आइए सवाल पे वापस आते हैं, बात करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। झेलम रिवर पासिस थ्रू द वूलर लेक, ये वाला स्टेटमेंट सही है कि झेलम नदी जो है वूलर ताल से होके जाती है। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये सही है। जब भी हम रिवर्स पढ़ते हैं, इंडस रिवर बेसिन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि जो झेलम नदी है वेरिना ग्लेशियर से निकलती है और ये कश्मीर के पास, श्रीनगर के पास होते हुए वूलर लेक में जाके जाती है और अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है और वहां से फिर आगे जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम मैप में देखें तो दोनों बहुत आसपास में लोकेटेड हैं, दोनों बहुत पास में सिचुएटेड हैं, बट असल में फैक्ट ये है कि कृष्णा नदी जो है कोलेरू लेक से नहीं जुड़ती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कांवर लेक। जो कांवड़ लेक है ये उत्तर प्रदेश में है, एंड ये काफ़ी करंट अफेयर्स में रह चुका है पिछले 1 2 साल से, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका करंट अफेयर्स पढ़ के हो सकता है। हाँ, ये हम जानते हैं कि अलग अलग जो प्लेन्स की नदी हैं वो मियंडर करती हैं और कभी कभी लेक्स बना देती हैं, बट ये थोड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जैसा कि हमने जाना, यूपीएससी में जो रिवर्स से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होता है, काफ़ी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ती है किसी भी रिवर को लेके, कि कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसका रूट क्या है, कौन कौन से लेक्स बना रही है बीच में, कितने सारे रामसर साइट्स पड़ते हैं उनके बीच में, किन किन स्टेट्स से होके जा रहे हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क बीच में आते हैं उनके, उनके पास में होते हैं, और कौन कौन से मेजर सिटीज उसके अलोंग लोकेटेड होते हैं। तो इन सबको एक साथ करके पढ़ना होता है, तब जाके इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे एक साइड में अलग अलग पोर्ट दे रखे हैं और दूसरी तरफ में वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं वो बोला है। तो सबसे पहला है कामराजार पोर्ट, इसमें बोला है फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, ठीक है। दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। तीसरा है विशाखापट्टनम, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। और सवाल है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो ये एक आपका काफी फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से मेजर पोर्ट्स हैं और उनकी खास बात क्या है। तो सबसे पहले एक सबसे कॉमन फैक्ट जो है कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ये हम जनरली जानते हैं क्या है, जेएनपीटी है एक्चुअली, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में है, और इसका सामने विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। और ये काफ़ी न्यूज़ में था कि कामराजार पोर्ट जो है
पहला इंडिया का कॉरपोरेट पोर्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें भी सही आंसर है ओनली टू पेयर्स। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, निम्नलिखित वृक्षों में पर विचार कीजिए। पहले नंबर पे कटहल, दूसरे नंबर पे महुआ, तीसरे नंबर पे सागौन। उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसीडुअस ट्रीज? डेसीडुअस मतलब जो सर्दी के मौसम में कभी ना कभी अपने पत्ते सारे गिरा देते हैं, अब उनके में पतझड़ आ जाता है। ये वाला काफी टफ क्वेश्चन है। जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, हम ट्रीज के कुछ मेजर नेचुरल वेजिटेशंस पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, तो इतना हम जरूर बता सकते हैं कि डेसीडियस वेजिटेशन में टीक तो आता है, लेकिन क्या महुआ आता है और जैक फ्रूट आता है, ये हम नहीं पढ़ते। तो ये काफी ज्यादा फैक्चुअल और काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि महुआ डेसीडुअस है, लेकिन जैक फ्रूट डेसीडुअस नहीं है। तो इसका आंसर होता है ओनली टू। तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं जनरली एडवाइजेबल होता है, अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, इसमें भी 50-50 करके एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तब जाके आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, तो एडवाइस रहता है कि इस तरीके के सवाल को नहीं अटेम्प्ट किया जाए। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अगला देखते हैं। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना। यहाँ पे पहले बात एरेबल एरिया की हो रही है। प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, यहाँ एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। तो ये आपका एग्रीकल्चर और इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हम इंडिया की लैंड प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, तो जनरली हम लोग थोड़ा उसको बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में पढ़ते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है कि यस, इंडिया के पास जितना ज्यादा एरेबल लैंड है, उतना शायद किसी और देश के पास नहीं है। बहुत कम देश हैं जितने जिनके पास इंडिया से ज़्यादा है। और अगर चीन की तुलना में देखें, तो वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है कि उनके पास खेती करने लायक एरिया इंडिया से कम है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही होता है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, इंडिया हैज मोर इरिगेटेड एरिया, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिंचाई से संबंधित प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं काफ़ी सारे पास्ट में। इंडिया का इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। इंडिया में इरिगेटेड एरिया है, इसलिए कि वो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इंडिया में चाइना से ज़्यादा एरेबल एरिया है और उस एरेबल एरिया में इरिगेशन का मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया में इरिगेटेड एरिया चाइना से ज़्यादा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। रही बात इस वाले स्टेटमेंट की, ये भी एक और, जब भी हम लैंड प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, हाँ इंडिया के पास क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा है कृषि का, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की, वो बाकी मेजर कंट्रीज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर चाइना से ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, चाइना की प्रोडक्टिविटी इंडिया से ज़्यादा है। तो इसका स्टेट आंसर होता है ओनली टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड? निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? तो ये भी एक टाइप का थोड़ा सा घुमा फिरा के बहुत सवाल पूछा है ज्योग्राफी का, स्पेशली जो फिजियोग्राफी वाला जो पोर्शन है, उसमें भी वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान का जो एरिया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स टाइप के हैं, रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल जैसे हो गया, मार्शलैंड हो गया, तो ये जनरली लोगों को तुरंत स्ट्राइक नहीं करता है। लेकिन हम एक ऑप्शन जरूर इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे मार्शलैंड हो गया, और पहला ऑप्शन है भीतरकनिका मैंग्रोव्स। हाँ, इस ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं कि हाँ हमने थोड़ा बहुत आइडिया है कि भीतरकनिका कहाँ है, लेकिन मराकनम सॉल्ट पैंस इसके बारे में हमने नहीं सुना है, और नौपदा स्वैम्प इसके बारे में भी हमने नहीं सुना है। हमने सुना है अच्छे से रन ऑफ कच्छ के बारे में।
तो मार्श लैंड और मैंग्रोव्स ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि मार्श लैंड होता है वो जगह जहाँ पे काफी हर्बेशियस स्पीसीज पाई जाती हैं, और मैंग्रोव वो होते हैं जहाँ पे वुडी स्पीसीज पाई जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, तो इसका आंसर है रन ऑफ कच्छ, क्योंकि बहुत पहले समय में ऐसा हुआ था कि जो पूरा एरिया है रन ऑफ कच्छ का वो समुद्र के नीचे था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समुद्र का स्तर नीचे जाता गया और रन ऑफ कच्छ का स्तर ऊपर बढ़ता गया, जमीन का स्तर, तो वहां पे पानी कम होता गया। अब ऐसा हिसाब है कि जो जमीन का स्तर है और पानी का स्तर है लगभग लगभग बराबर है, तो वहां एक बहुत बड़ी सी, जैसा यहाँ पे बोला है, कच्छ भूमि उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए यहाँ आंसर है रन ऑफ कच्छ, और इसीलिए क्योंकि पूरा सी वाटर के अंडर आता था एरिया, तो इसीलिए काफी सारा सॉल्ट कंटेंट उस एरिया में पाया जाता है। अगला है इलिमिनाइट एंड रूटाइल अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। तो ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, स्पेशली उसमें जो ज्योग्राफी और मिनरल वाला जो पोर्शन है उससे ये है, एंड ये ओर्स उस एलिमिनाइट और रूटाइल जो है ये आपके एनसीईआरटीज में डायरेक्टली दे रखे हैं, तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर है टाइटेनियम। हालांकि अगर आपको डायरेक्टली भी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, तो आप इनडायरेक्टली भी आप आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन से और ऑप्शंस को देख के। इसमें बोला है अबंडेंटली अवेलेबल सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया, और आपको ओर्स के नाम दिए हैं। अब देखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कौन सा मेजर ओर है? बॉक्साइट। बॉक्साइट हाँ इंडिया में अबंडेंटली पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होते हैं, और जनरली हिल टॉप्स पे पाया जाता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम तो नहीं हो सकता। कॉपर जो है इसका ओर का नाम होता है क्यूपराइट, पहली बात तो क्यूपराइट इनमें से नहीं है, दूसरी बात कॉपर जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, ऑलमोस्ट कॉपर की जो माइंस हैं वो यूजुअली आपका छोटा नागपुर प्लेटो और राजस्थान की साइड है, तो इसलिए वो कोस्टल ट्रैक्ट्स में नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और रही बात आयरन की, आयरन यस इंडिया में अबंडेंटली पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है? आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में, झारखंड में, आपके उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के रीजन में पाया जाता है, और इसके ओर्स का नाम होता है मैग्नेटाइट, हीमाटाइट और साइडराइट, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन आपका? टाइटेनियम। उसके बाद अबाउट 3/4 75% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन है अर्जेंटीना, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और खजाकिस्तान। तो जनरली अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई टाइप की एनर्जी के ऊपर अब सवाल पूछे जा रहे हैं, और उनसे एसोसिएटेड मिनरल्स जैसे लिथियम के सवाल पूछे जाने की संभावना है, हाइड्रोजन के बारे में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे ही कोबाल्ट के बारे में इस बार पूछा गया है। लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसके बारे में जनरली हम टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ते हैं, एंड ये जो है कंप्लीटली आपका करंट अफेयर्स वाला सवाल है। लेकिन इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन अब अगर दूसरी तरीके से भी देखा जाए तो भी हम इस सवाल को थोड़ा थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके जवाब के थोड़ा सा पास में पहुंच सकते हैं, कि अर्जेंटीना तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहां पे क्रूड ऑयल या क्योंकि वहां पे क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो होता है। आपका कजाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि कजाकिस्तान ज्यादा फेमस है यूरेनियम के लिए। तो बचे कौन से ऑप्शन? आपके बोत्सवाना बचता है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बचता है, इसमें ये वाला सही आंसर है। उसके बाद होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, कंट्रीज दे रखी हैं आपको, कौन सी वाली कंट्रीज इस रिवर बेसिन में आती हैं, वो भी दूसरे कॉन्टिनेंट की, इसमें कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान और युगांडा है। तो इसके लिए अभी तक हम लोग इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप जब मैपिंग वाले क्वेश्चंस को, मैपिंग वाले सब्जेक्ट को पढ़ें, तो उसमें दूसरे कॉन्टिनेंट्स की अब जरूरत पड़ गई है। यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ रहा है, आपको पता हो कि उनके अलग अलग कंट्रीज की लोकेशन क्या है, वहाँ के अलग अलग रिवर बेसिन्स क्या हैं, वहाँ के अलग माउंटेन रेंजेस और क्या कहते हैं लेक्स क्या हैं, और उन सब के बीच में एक टाइप से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके आपको पढ़ना है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी है। तो इनमें से सही आंसर है कैमरून। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा भी वेग सा आइडिया है
बाकी कंट्रीज कहाँ पे पाई जाती हैं, उनके किस रीजन में पाई जाते हैं, कि तो भी आप इस सवाल को थोड़ा बहुत अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका अफ्रीका, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे पूछी जा रही है बात, कौन सी कंट्री कॉन्गो बेसिन का पार्ट है। तो कॉन्गो बेसिन आपका ये होता है। और अब देखते हैं कैमरून, कैमरून यस आपकी यहाँ पे पड़ती है कंट्री। दूसरी है नाइजीरिया, नाइजीरिया आपको एग्जैक्टली अगर ना भी पता हो कहाँ पे पड़ती है, तो इतना जरूर कह सकते हैं कि ये आपकी साहेल रीजन में पड़ती है नाइजीरिया। उसके बाद आता है साउथ सूडान, साउथ सूडान इतना जरूर पता हम कह सकते हैं कि ये आपकी नाइल से एसोसिएटेड है, तो ये इस वाले रीजन में आती है कंट्री साउथ सूडान। और उसके बाद आता है आपका युगांडा, युगांडा लगभग इस रीजन में पाया जाता है, और ये एक रिफ्ट वैली से सेपरेटेड होता है बाकी वेस्टर्न एरिया से, और ये भी थोड़ा बहुत नाइल से, नाइल के बेसन के पास पड़ती है। तो इस हिसाब से आपकी एक ही कंट्री पड़ती है जो कॉन्गो बेसन में आती है, वो है कैमरून। उसके बाद है अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सियादरी रेंज। उसके बाद स्टेटमेंट है बीलगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सियादरी रेंज, ये स्टेटमेंट गलत है। सियादरी रेंज आपकी होती है वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे बोला है विंध्या और सियादरी रेंज के कॉन्फ्लुएंस में, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये आपके विंध्या हिल्स के थोड़ा ऑलमोस्ट ईस्टर्न साइड में पड़ता है, ना कि वेस्टर्न में। उसके बाद बीलगिरी रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो बीलगिरी रंगन हिल्स होते हैं ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पे पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है शेषचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये पहली बात तो सदर्न मोस्ट पार्ट में नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी बात ये पाए जाते हैं तो ये ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है नन। उसके बाद वाला स्टेटमेंट है, हम क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट इन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन से को जोड़ के सवाल बनाया गया है, और ये काफी करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है। अभी इससे पहले जो हमने देखा ये आपका काफी मैपिंग बेस्ड सवाल है, ये वाला स्टेटमेंट भले ही थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेटमेंट कंपेरेटिवली इजी हैं। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है, अंटिल आप करंट अफेयर से कॉन्स्टेंटली टच में हैं, ये वाले सवाल को करना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि हम पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये हम फैक्ट जानते हैं, जब भी हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तो यहाँ पे सूरत नहीं आता, यहाँ पे पोरबंदर आता है। यहाँ पे पोरबंदर आता है, तो इसलिए वाला स्टेटमेंट गलत है। ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे चियांग मई नहीं, यहाँ पे मैसूर आता है, हालांकि ये मणिपुर वाला मोरे सही है। उसके बाद बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे वाराणसी नहीं होता है, यहाँ पे आपका कोलकाता आता है। तो इसका जवाब होता है फिर डी नन। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद फिर से हम मिनरल्स में आते हैं, मिनरल्स का फिर से क्वेश्चन है, उसमें भी एनर्जी मिनरल्स का। इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, यहाँ पे स्टेटमेंट में एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यू दे रखी है, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट जो है सही है,
क्यों? क्योंकि यस, ये फैक्ट है, इंडिया में भले ही कम लेकिन यूरेनियम के डिपॉजिट सिंहभूम रीजन में जरूर पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया का जो एनर्जी डिपेंडेंस है, 50% से ज्यादा एनर्जी डिपेंडेंस है, वो कोल थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर है। तो हम चाहें भी तो एकदम से हम यूरेनियम और न्यूक्लियर एनर्जी पे स्विच नहीं कर सकते हैं, हमें करना भी पड़ेगा तो धीरे धीरे करके पहले कोल को कम करना पड़ेगा, लेकिन तब तक कोल के ऊपर हमारा डिपेंडेंस हाई रहेगा आने वाले समय में। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे वाला स्टेटमेंट देखते हैं, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 to 4% ही इनरिच करना पड़ता है। अगर हम 60% करते हैं, इससे ज्यादा करते हैं 60% तक, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स ग्रेड वाला यूरेनियम बन जाता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और इसका है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका सही आंसर बनता है सी। उसके बाद है एक अब हम एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी पे आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 है, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली, यहां पे एक एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहा है, इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि मार्सुपियल्स क्या होते हैं। मार्सुपियल्स वो वाले जानवर होते हैं, जैसे कैंगरूज आपने देखे होंगे डिस्कवरी चैनल पे, आपने वीडियोस पे, कि जो एनिमल्स के पेट में पाउच होता है और उसमें उनके बच्चे रहते हैं पैदा होने के बाद, जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक वो उसी में रहते हैं और वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरीके के जानवरों की बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि ये इस प्रकार के जानवर इंडिया में आमतौर पर नहीं पाए जाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कैंगरू हो गया, आपने इंडिया में कभी कैंगरू नहीं देखा होगा, कहीं भी इंडिया में कैंगरूज किसी भी रीजन में नहीं पाए जाते होंगे, अगर देखे भी होंगे आपने तो वो बाहर से लाए गए होंगे। दूसरी बात, जनरली वैसे जो कैंगरूज होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और उसके बाद मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स। चलिए मान लीजिए कैंगरूज की ही बात करते हैं, वो कूदने वाले जानवर होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जमीन जो है वो सपाट हो, लेकिन यहाँ पे बोला है वो सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वहां पे एक यूनिफॉर्म टोपोग्राफी नहीं रह पाती है, समान लैंड नहीं हो पाता है, और वो जो है जनरली सेमी एरिड एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद ये वाला एक और आपका बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सवाल होता है, लेकिन ये काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है वो काफी कॉमन टाइप के हैं, जैसे IUCN हो गया, UNEP हो गया, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हो गया, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया। जनरली हम इनके बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये लाते हैं, लेकिन हम इस इतने डिटेल में जाके नहीं पढ़ते हैं कि इनके कौन कौन से स्पेशलिस्ट ग्रुप होते हैं और उन स्पेशलिस्ट ग्रुप में कौन कौन से डेटाबेस होते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये काफी टफ क्वेश्चंस में आता है। अगर आपको ये नहीं आता होता तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर है IUCN। उसके बाद फिर से इस टाइप का एक डाउटफुल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपका बायोडायवर्सिटी से लेके, कंसिडर द फॉलोइंग फौना। निम्नलिखित प्राणीजात पर विचार करिए, सिंह पूंछी मकाक, मलाबार सिविट, सांबर हिरन, उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। इसमें सबसे हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर द सनसेट। तो हम लोग जनरली एनिमल्स के जो प्रोटेक्शन स्टेटस है उनके बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके के हैबिटेट में पाए जाते हैं हम ये पढ़ते हैं, लेकिन एनिमल्स के जो बिहेवियर होता है, कब एक्टिव होते हैं कब इनएक्टिव होते हैं, ये जनरली हम लोग नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। हालांकि अगर हम सबसे पहला ऑप्शन देखें, लायन टेल मैकैक, मैकैक जो होते हैं मंकीज की एक स्पीशीज होती है, एंड ये सबको पता है कि मंकीज जो है रात में एक्टिव नहीं होते हैं, तो
सबसे पहला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। इन दोनों में काफी डाउट होता है, मालाबार सिविट और सांभरडी, इनके बारे में हमें जनरली नहीं पता होता। तो अनलेस आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता हो, तो आपको ये वाला नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए इस तरीके के सवाल, या फिर अगर आप एलिमिनेट कर पाए तो ही करना चाहिए। हालांकि इसका आंसर है मलाबार सिवेट और सांभरडी, और इसका है ऑप्शन बी, ओनली टू। अगला भी बायोडाइवर्सिटी का इसी टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ देयर फूड। सबसे पहला ऑप्शन है आपका बटरफ्लाइज, फिर ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज एंड वॉब्स। ये भी आपके अलग अलग स्पीसीज के बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, एंड ये भी अनलेस आपने कहीं पढ़ा हो या कहीं देखा हो, ये जनरली किताबों में इस तरीके के टॉपिक्स डिस्कस नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है हनी बीज। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, सम मशरूम। यहाँ पे बात हो रही है, कीवर्ड है सम, जो कि काफी एक ब्रॉड बेस्ड कीवर्ड है। मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ छत्रिकों मशरूमों में औषधि गुण होते हैं, कुछ में मन प्रभावी गुण होते हैं, कुछ में कीटनाशक गुण होते हैं, और कुछ छत्रिकों में आपके ये बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। तो ये वाले जनरली हम जब इस तरीके की टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम ये एक अंडरस्टूड से चीज़ है, एक एस्पिरेंट जो है सारे मशरूम्स की वैरायटी नहीं पढ़ेगा, बहुत ढेर सारी स्पीसीज, हजारों स्पीसीज हो सकती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम माने तो स्टेटमेंट कह रहा है कि इतने सारे स्पीसीज में से कुछ स्पीसीज तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रख ही सकती होंगी, तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट सही हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि प्रॉपर्टीज रखती हों और हो सकता है कि हमने उसको अभी डिस्कवर ना किया हो, तो इस हिसाब से भी हमें लेके चलना हो। तो इसी हिसाब से जितने भी चारों स्टेटमेंट हैं जिनमें सम लगा है, ये वाले चारों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अभी कितनी प्रजातियां डिस्कवर हुई हैं, या हमें भी नहीं पता कि हजार प्रजातियों में से कि हो सकता है एक में तो हो ही हो। तो इस लॉजिक को यूज करके हम चारों स्टेटमेंट्स को सही कर सकते हैं, और ये एक्चुअली में इसका आंसर है ऑल फोर, चारों, सभी चार। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल्स। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड का निर्माण करते हैं करती है। वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करके रखती हैं। वे सर्वभक्षी होते हैं। तो ये भी इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे जानवरों के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। ये वाला थोड़ा डाउटफुल सा क्वेश्चन है, क्योंकि गिलहरियाँ जमीन पे भी बिल बनाती हैं और पेड़ों के ऊपर भी बिल बनाती हैं। तो इस हिसाब से ये वाला सवाल, ये वाला सही या गलत है, ये मेन आंसर की पे डिपेंड करता है जो यूपीएससी की ऑफिशियल की है। हालांकि ये वाला स्टेटमेंट हम सही तौर से कह सकते हैं कि यस दे आर ओमनिवोरस। ये वाला स्टेटमेंट अगर सही होगा पहला वाला, तो दूसरा वाला भी सही होगा कि दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, कि जहां पे वो बिल बनाते हैं अपना, वहीं पे खाना भी अपना स्टोर करके रखेंगे। तो इसमें ओनली वन एंड ओनली थ्री सही ऑप्शंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑफिशियल आंसर की क्या होती है, तो ये उस पर निर्भर करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट इन टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद पीएच बिलो 3। तो ये भी मशरूम टाइप वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात नहीं करी है एग्जैक्टली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हमारे नेचर में हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर किसी की अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उस हिसाब से देखें तो हो सकता है कि हजारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हो सकते हैं जो पानी के खौलते तापमान के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सही है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं अलग अलग जगहों पे, उनके आसपास भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वो बॉइलिंग वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। दूसरा, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट,
ये पाया जा रहा है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक के जो आइस शेल्स हैं, वो रीजन जो है जहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बिलो टेम्परेचर है, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है। उस हिसाब से काफ़ी सारे हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट जो होते हैं वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा सकते हैं। तो उस हिसाब से आंसर हो गया आपका सी। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन हम अंदाजे से जरूर कह सकते हैं कि ऐसा तो होता होगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी डाइवर्सिटी और बहुत सारे अडेप्टेशंस हैं, तो उनमें से ये भी हो सकती है। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रेप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वृक्ष या लकड़ी के लठ से बने छिद्र में से कीड़ों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? पहला है आपका फिशिंग कैट, दूसरा है ओरांगुटान, तीसरा है ऊद बिलाव, और चौथा है आपका स्लॉथ बेयर। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन हो गया, एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन हो गया। ये भी जान पाना बहुत टफ है, ये भी एक काफ़ी टफ क्वेश्चन है। तो अनलेस आपको एग्जैक्टली ये आता हो, आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब निकालना मुश्किल है, हालांकि आप इसे इसमें फिशिंग कैट और ऑटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डाइट ही अलग होती है। हाँ, इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन बी। उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग एरोसोल फॉर्मिंग एजेंट, फायर रिडार्टेंट, लुब्रिकेंट। इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड? तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हम सबको पता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, जो फ्रिज में, एसीज में कूलेंट के तौर पे काम आते हैं, ठंडा करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उनको सीएफसीज, एचसीएफसी कहते हैं। और यही वो केमिकल्स हैं जो हमारे ओजोन ओजोन जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। तो सवाल पूछा है कि ये वाला जो केमिकल है, इनमें से कितनी चीजों को बनाने में, को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है? तो ये एक गैस होती है जनरली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एंड ये हमें पता है कि ये जितने भी स्प्रे वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, स्प्रे वाली चीजें होती हैं, उसमें एचसीएफसी जरूर यूज होती हैं। उनमें से एरोसोल होता है, फोमिंग एजेंट आता है, फायर रिटार्डेंट, तो ये तीन तो बिल्कुल आते हैं। लेकिन लुब्रिकेंट्स आते हैं कि नहीं, इसमें काफी ज्यादा डाउट होता है। इस चीज को लेके अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। तो इसका आंसर जो है, एक्चुअल आंसर की पे डिपेंड करता है, इसका सी या डी में से आंसर होगा। जनरली जो लुब्रिकेंट होते हैं, ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं और अलग अलग केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, ये कोई स्प्रे वाला एजेंट नहीं होता है जनरली, तो इसलिए ये काफी ज्यादा सादा डाउटफुल क्वेश्चन है। उसके बाद हम आते हैं अपने इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे। स्टेटमेंट दो दे रखे हैं, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ठीक है, INVITs are recognized as borrowers under the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of security interest act। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एंड ये काफी ज्यादा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, ये करंट अफेयर से थोड़ा बहुत उठाया गया है, बट देखते हैं इसमें। सबसे पहले ही INVITs क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रह चुके हैं। जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, उससे जुड़े ये बॉडी है, ये बॉडी में इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ से जो फाइनेंस फाइनेंस किया जाता है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये वाला जो है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट होता है, INVITs आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोअर्स, ये वाला स्टेटमेंट सही है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि कोई भी एस्पिरेंट ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट में जाके इतना डिटेल में पढ़े, लेकिन हम इतना ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्ट होता है, ये दूसरों से पैसे लेता है, उधारी लेता है, बोरो करता है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। तो एक टाइप से ये वाली बॉडी जो है बोरोवर हुई, तो
तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही होता है. तो इस हिसाब से स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट इन मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स. कि कोविड महामारी के बाद के हाल में विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी. दूसरा स्टेटमेंट है, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दे हैव द अबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स. तो ये पूरे कोविड पीरियड का क्वेश्चन है एंड ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जानते हैं कोविड के टाइम पे काफ़ी इन्फ्लेशन हुआ था. उसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया था. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो वो भी सही है. क्यों? क्योंकि बैंक के पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं अलग अलग, जैसे क्वालिटेटिव हो गए, क्वांटिटेटिव हो गए, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसी चीज़ें हो गई, जिनसे वो इन्फ्लेशन को मैनेज कर सकते हैं. अपन उन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज़ करके मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है. और यस, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. उन्होंने हाइक इसलिए कर दिया था ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें. तो इसका आंसर होगा ए, बोथ द स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. यहाँ पे बात हो रही है कार्बन मार्केट्स की. स्टेटमेंट वन देखते हैं, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी लाइकली, ये एक वेग वर्ड यूज कर रखा है यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत जनरल टाइप का स्टेटमेंट है और सभी को पता है कि हाँ, कार्बन मार्केट जो है, ये मैकेनिज्म्स हैं कार्बन को ट्रेड करने के, जिनसे हम क्लाइमेट चेंज को फाइट करें. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट है, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. ये भी सही है, क्योंकि इसमें ओनली की बात नहीं की है, इसमें एक जनरल स्टेटमेंट बोला है. और हाँ, कार्बन मार्केट जो कार्बन के फाइनेंसेस होते हैं वो प्राइवेट टू स्टेट, प्राइवेट टू प्राइवेट या अलग अलग एंटिटीज के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट सही है. बट ये वाला स्टेटमेंट क्या इसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करेगा प्राइवेट सेक्टर को स्टेट में ट्रांसफर करके, ये स्टेटमेंट नहीं बताता है, एक्सप्लेन नहीं करता है. तो इसका आंसर है आपका बी, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो अगला है 24वां क्वेश्चन. ये है आपका इकोनॉमी का और ये आपका बेसिक और स्टैटिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है रिलेटिवली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ स्टर्लाइजेशन. ऑप्शन है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टर्लाइजेशन क्या है. जनरली क्या होता है, जब बाहर से एफडीआई के थ्रू, एफपीआई के थ्रू, या जब इंडिया का फॉरेक्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब इंडिया के अंदर बाहर से बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाता है. तो इससे इन्फ्लेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इससे थोड़ा इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होने की काफ़ी चांसेस होते हैं. तो आरबीआई क्या करती है, सारा पैसा एब्जॉर्ब कर लेती है. जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है इकोनॉमी में, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है और एक्स्ट्रा मनी एब्जॉर्ब कर लेती है. तो इसका सही ऑप्शन हुआ ए, कैसे करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन. क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आपका यही होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग और सेलिंग होता है अलग अलग बैंक से. तो इससे क्या करता है सेंट्रल बैंक जो है, इकोनॉमी में जो एक्सेस लिक्विडिटी है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सेल कर सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है, खरीदने के बाद वो बैंक्स को मनी सप्लाई करता है और इस तरीके से बेसिकली कंट्रोल होता है, इस तरीके से स्टर्लाइजेशन होता है. उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट.
विच वन ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फर्क क्या होता है. मनी मार्केट जो होता है वो आपका लेस देन 1 ईयर होता है का टाइम पीरियड होता है उसमें, और जो कैपिटल मार्केट होता है ये जनरली लॉन्ग टर्म होता है, जनरली 2 to 3 ईयर्स का. तो इनमें से कौन से मार्केट है जो कि 2 to 3 ईयर्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है? ये हम सबको पता है, स्टॉक मार्केट जरूर है. ट्रेजरी बिल मार्केट जो है ये लेस देन 1 ईयर वाले सिक्योरिटीज में डील करता है, तो ये नहीं हो सकता. वैसे ही कॉल मनी मार्केट भी जो है ये भी लेस देन 1 ईयर वाले सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है, तो ये भी नहीं हो सकता. और जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट होता है, बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है. तो इसका आंसर है ओनली 2. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? ये भला आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाता है. ये काफी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ा है, करंट अफेयर्स में टच में हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं. इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी. मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व इंटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन. इसमें जनरली आपका गेस वर्क लगाना मुश्किल है. अगर आपको ये आता है तो ये आपको आता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड MSP फॉर नाइजर सीड्स. नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप. उसके बाद है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग. तो ये आपका बेसिक एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन है, MSP वाला क्वेश्चन है. एंड ये काफी इजी सा क्वेश्चन है. अगर आपने पढ़ा होता कि कितने क्रॉप्स के लिए MSP होता है और उनमें से कौन से क्रॉप कौन से सीजन में उगाए जाते हैं, आपको पता होता कौन से फूड क्रॉप्स हैं, कौन से कैश क्रॉप्स हैं और कौन से ऑयल सीड्स हैं. तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है कि यस नाइजर इज कल्टिवेटेड एज खरीफ क्रॉप. एंड उसके बाद सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग. ये वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि यहाँ पे सम एक कीवर्ड यूज हो रहा है एंड जनरली एक ब्रॉड टर्म की बात हो रही है, ब्रॉड चीज की बात हो रही है यहाँ पे कि कुछ आदिवासी समूह जो है होते ही होंगे जो नाइजर सीड का जो ऑयल है उसको कुकिंग में यूज करते हैं. तो ये वाला इस तरीके से स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर है ऑल 3. उसके बाद फिर से इकोनॉमी का क्वेश्चन है. ये कंपेटिवली इजी क्वेश्चन है. कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स. ब्रांड रिकॉग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट? इसमें से कितने सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जो फिजिकल तौर पे नहीं होते हैं? तो ये हम बहुत आसानी से कह सकते हैं. ब्रांड रिकॉग्निशन जो है ये कुछ फिजिकल एसेट नहीं होता है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक फिजिकल एसेट नहीं होता है. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट ये एक फिजिकल नहीं है, डिजिटल होता है एक्चुअली. और जो इन्वेंट्री होती है ये एक कितना सारा सामान आपके पास है एक्चुअली, कितना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं ये होता है इन्वेंट्री. फिजिकल आइटम्स कितने सारे आपके पास है ये होता है. तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा और ये 3 होंगे. तो आंसर होगा ओनली 3. उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग. डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट. फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया, अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस. तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड से सवाल हो जाता है क्योंकि फाइनेंस कमीशन के ऊपर यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछे हैं. 2 साल पहले 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर सवाल पूछा है, इस बार 15th के ऊपर पूछा है. और ये वाली जो चीज़ है ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है. जितनी भी हम करंट अफेयर्स के चीज़ें पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत कॉमन ये डिटेल है. तो
उसकी ऑलमोस्ट पांच या छह चीजें हैं। एक तो पॉपुलेशन एरिया है, इनकम डिस्टेंस है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, आपका टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स हैं। तो ये वाला इसमें तीन चीजें होती हैं इन इनको मिला के, तो इसलिए आंसर होता है ओनली थ्री। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे फाइनेंस कमीशन, उनकी जो मेजर रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको हम थोड़ा रीड करें, देखें कि फाइनेंसेस और फेडरलिज्म के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या क्राइटेरियाज यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जानने के लिए इस तरीके के करंट अफेयर्स हमें जानना जरूरी हो जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर: अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी। ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबाउट डज द UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकसेस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट। ये वाला आपका काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी की बात होती है। उस स्पेशलाइज्ड बॉडी की एक प्रोग्राम की, S3I प्रोग्राम की बात होती है, और उसमें भी उसके डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। जनरली हम करंट अफेयर्स में भी इतने डेप्थ में नहीं जाते, जब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं उसमें भी इतने डेप्थ के बारे में नहीं जाते हैं, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो लेकिन अगर हम देखें, अगर हम एलिमिनेट करना चाहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो यस, हाउसिंग आता है, ये आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, ये वाला थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। तो इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर ऑल फोर भी हो सकता है, ओनली थ्री भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की क्या कहती है। उसके बाद है इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। अब हम आ जाते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। पॉलिटी के क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है। तो यहाँ पे किसी भी एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी का थोड़ा एसेंस पूछा जा रहा है, मतलब पूछा जा रहा है, तो देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है हमारे आर्टिकल 21 में। हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ भी नहीं है, क्योंकि ये दे रखा है आर्टिकल 14 में। तो ये वाले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है जनरली? ये होता है कि जो कानून है, क्या वो लोगों को न्याय कर रहा है, क्या सही तरीके से वो पास हो रहा है, क्या लोगों पे उसका एप्लीकेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्या लोग उससे खुश हैं कि नहीं। तो इस हिसाब से इसका आंसर होता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है कहीं भी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में एग्जैक्टली नहीं दे रखा है। एंड ये जो है आपका जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है, उससे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अब हमारी कंट्री में अप्लाई होगा। तो ये है इसका आंसर सी। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विच विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी प्रिजन रिलेटेड चीजें होती हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं, और उनका जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्टेट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो प्रिजन्स हैं ये आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं, और शायद ऑलमोस्ट एंट्री फोर में आते हैं। एंड अगर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, तो स्टेट को अधिकार है कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कर सके प्रिजन्स का। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा टफ है और कंफ्यूजिंग भी है, जिसमें अक्सर जिसमें कैंडिडेट्स काफी फंस चुके हैं। जैसे इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न बाय प्रिजन्स एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ये वाला स्टेटमेंट वैसे गलत है। इसके गलत होने का रीजन ये है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन की चीज कौन से सब्जेक्ट में जाएगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिसाइड करता है।
और ये क्या है, एक ऑर्डिनरी स्टैचुटरी प्रोविजन है। तो एक ऑर्डिनरी स्टैचुटरी प्रोविजन ये नहीं डिसाइड कर सकता कि प्रिजन्स जो है कौन से सब्जेक्ट में रहें, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है और इसमें स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आंसर है इसका सी। अगला आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट सिक्योर्स द सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है जिसका सेम यही जवाब रह चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये बताता है कि सरकार क्या होती है और सरकार के पावर्स का दायरा क्या होता है, सरकार के ताकतों का क्या दायरा होता है, क्या ताकतें होती हैं उनको डिफाइन करता है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाली चीजें कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूर सिक्योर करता है सोशल जस्टिस, सोशल इक्योरिटी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से, पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ये चीफ पर्पस नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन का। इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज, के जैसे डीपीएसपी हो गया, तो डीपीएसपी होता है लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है कि सरकार, उसकी ताकतें एंड उसकी लिमिटेशंस और लोगों के अधिकार। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन का आंसर है सी, कि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। अगला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा टफ है, देखते हैं, ये भी आपका कोर पॉलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वाइडली बिलीव्ड की बात करिए, टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका लोगों को काफी कंफ्यूजन था कि फर्स्ट अमेंडमेंट हो या 47th सेकेंड अमेंडमेंट हो। इसका सही आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट इसका आंसर क्यों है, क्योंकि भारत के इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि बड़े लोगों से लैंड, एक्स्ट्रा लैंड लेके और जो गरीब लोग हैं उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में पहले हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके तहत सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी। सरकार ने करना चाहा तो, लेकिन इससे क्या हुआ, लोगों के फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा नहीं कर सकता। तब सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया और इससे 31B और 31C अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया, और इससे 9th स्केड्यूल जो है वो ऐड किया गया था, ताकि 9th स्केड्यूल में कोई भी लॉज अगर हम डालें जो कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट करें, तो वो जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से प्रोटेक्टेड रहें। तो इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो लाया गया था जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को ओवरकम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज, ये आपका बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये आपको जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये आपके फंडामेंटल्स में आता है कि कौन सी बॉडीज जो हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। नीचे से हम देखते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ये नहीं है, ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले कानूनों के अंडर आती है। नेशनल लॉ कमीशन है, ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये भी आपकी एक स्टैचुटरी बॉडी है, लेकिन जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और हाल ही में बनाई हुई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहले नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट होता था और शेड्यूल ट्राइब होता था सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अमेंड करके अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी ऐड किया है। तो आंसर है ओनली
वन, ये आपका कंपेरेटिवली इजी थियोरेटिकल स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन है। उसके बाद है, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों को निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अभिधिमान्य हो जाते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। पहली बात, ये आपका काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका बेसिक बुक्स में जैसे लक्ष्मीकांत में मिल जाता है ये। एंड ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए है क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें तो मान लीजिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया और उसके 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनका इलेक्शन जो है इनवैलिड है, ये अपने प्रेसिडेंट के ऑफिस पे इनवैलिड तरीके से बैठे हैं। लेकिन उन 3 साल में काफ़ी सारे ऐसे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंसेस लगा दिए होंगे, काफ़ी सारे ट्रीटीज़ कर दी होंगी, काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस इनिशिएट कर दिए होंगे, जिनको इनवैलिडेट करना एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके एक्ट्स इनवैलिड नहीं होंगे। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसलिए भी इनवैलिडेट नहीं होंगे क्योंकि प्रेसिडेंट जो है पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करता है, पूरा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी एड एंड एडवाइस पर काम करता है, खुद से प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेता है। तो अगर प्रेसिडेंट के एक्शंस को इनवैलिडेट किया जाएगा तो एक टाइप से वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक्शंस को इनवैलिडेट किया जाएगा, तो इसलिए भी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनवैलिडेट नहीं करता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्वड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस। ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस तरीके से देखा जाए तो कभी भी कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व हो सकती है या फिर इलेक्टेड नहीं हो सकती है। एंड ये बहुत अनसर्टेन चीज हो गई। मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है और एक एक करके हर साल या फिर मान लीजिए हर महीने एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती गई, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होएगा ही नहीं, या फिर अगर होना है तो बहुत समय बाद होगा। तब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कंट्री का वो इलेक्टेड ही नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर डिसॉल्व है भी तो भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन प्रेसिडेंट का होके रहेगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है कि इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। अगला है, तीसरा स्टेटमेंट बहुत ईजी है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिम टाइम लिमिट विद इन हिच विच हैज टू डिक्लेयर हिज और हर असेंट। ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंट के लिए कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करता है प्रेसिडेंट को। हाँ, प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि ही कैन सिट ऑन द बिल, अपने हिसाब से डिसाइड करे कब वो साइन करना है या क्या नहीं। जनरली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन एड एंड एडवाइस करता है कि असेंट देना है या ना नहीं देना, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। तो इसलिए इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है।